गाइस, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। और आपको एक चीज बता देती हूँ, एक्चुअली दो चीज बता रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग। पहली बात तो मैं अपने बाल बहुत छोटे करवाने वाली हूँ, मैं बहुत बोर हो गई हूँ इन बालों से, तो मैं जाने वाली हूँ कटवाने और आपको लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने कमेंट किया था, आप लोगों ने, कि आपको यहाँ के सलून देखना है। तो आज अपन यहाँ के सलून देखते हैं और हम लोग आज शाम को जा रहे हैं पेरिस। हाँ, तो उसके आने के बाद शॉपिंग करेंगे और उसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सडनली प्लान बना हुआ है। तो पेरिस अभी तक मैं नहीं गई हूँ, मैं पहली बार पेरिस जाने वाली हूँ। तो अभी पहले चलते हैं सलून देखते हैं और फिर पेरिस की स्टोरी बाद में बताऊंगी। लुक्स देखे तो मुझे लगा कि आई शुड स्टिक टू दैट लुक्स। एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आ रहा लोगों के जिनके लंबे बाल हैं और उनके साथ भी ऐसा होता है क्या, कि आप सोचते हो कि चलो यार आज कट करवा लेते हैं और वो समहाउ नहीं करवा पाते। मैं बहुत सालों से छोटे बाल करवाने का सोच रही हूँ पर मैं नहीं कर पा पाती हूँ, थिंकिंग दैट कि पता नहीं क्या सोच के। तो मुझे सीरियसली बता रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कि मैं जितने छोटे मैंने आपको पिक्चर में बताया था उतने करूँ या ना करूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं अकेली हूँ, दीपक भी नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। एंड मेरा जो कट करने वाला है वो भी आया नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है, थोड़ी देर में, क्योंकि 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, यहाँ अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आने से पहले, तो अभी तक नहीं आया है। मैं जब तक डिसाइड कर रही हूँ कि हाँ बहुत छोटे कराने चाहिए कि थोड़े बहुत ठीक है, दैट्स द थिंग। तो आई एम थिंकिंग दैट कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बैठ के वही सोच रही हूँ यहाँ पर वेटिंग रूम में बैठ के। आप लोग बताना आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। ओके इट्स ओके या कुने जिम भी आओ। ओके काइन प्रॉब्लम या काइन। हेलो हेलो वी हैज जी हाय जी हाइशा हाइफा। ओके people
I'll cut your hair if you're gonna cry. के बाद मतलब मेरे बहुत छोटे में इतने छोटे बाल थे, अब जैसे जैसे बड़ी हो गई थी उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई बाल कटाने की, और आज कटाया। दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है, मुझे पता नहीं है क्या बोलूँ मैं। पर क्या आप लोगों के भी बालों के साथ सेम इमोशंस हैं? आई वॉन्टेड टू हियर फ्रॉम ऑल द गर्ल्स, ऑल द बॉयज़। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि इस समय आई डोंट नो हाउ आई एम फीलिंग, बिकॉज मेरे बहुत बड़े बाल थे, कम से कम इतने बाल उन्होंने मेरे काट दिए। बट हाँ, वहाँ बहुत मज़ा आया, उन लोगों ने बोला कि आपके हेयर्स बहुत अच्छे हैं और दे आर सेटिस्फाइड विथ माई लुक एंड सम व्हाट आई एम ऑल्सो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, और कैसा लगा वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ का सैलून कैसा लगा, यहाँ की सर्विस कैसी लगी आपको, वेदर आपको ऐसा लगता है कि सेम है, यहाँ के प्राइजेस कैसे लगे। तो इन्होंने मेरे ये बाल काटने के 40 यूरो लिए हैं, बाल काटने एंड स्टाइलिंग करने के। तो 40 यूरो नॉर्मल है, क्योंकि इतना पैसा ही लगता है यहाँ पर, तो 40 यूरो लिए यहाँ पर। तो सब चीज़ों के लिए आप कमेंट करो, और आई थिंक अब मैं जाके थोड़ा सा दुखी होंगी कि यार क्या हुआ। और हिट द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। माता पिता, भारत माता, सारी माताओं का ध्यान रखो, ये हमारे बाल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भगवान, हर चीज़ में बाल आ रहे हैं। ओके गाइस, तो और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पेरिस ब्लॉग में। यस, और गाइस सच में यार अभी भी बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। आपको पता है इसके बाद जब मैं आई, मैंने कैसे कैसे वीडियोस बनाए, तेरे जाने का गम, फिर ना आने का गम, क्या करें। सच में यार, चलो बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग पेरिस ब्लॉग।